नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकड़ी न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। अमरोहा में 11,000 केवी की लाइन के शॉर्ट सर्किट से आज बिगा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके चलते किसान को लगभग 60 से 70 हज़ार का नुकसान हुआ। आग की खबर मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग ने इतना भीषण रूप ले लिया था कि दमकल की गाड़ियां भी आग पर काबू नहीं कर पाई। आपको बता दें कि आग की लपटें तेज हवा के चलते आसमान छू रही थी। थाना आदमपुर क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक किसान के खेत में 8 बीघा की फसल जलकर राख हो गई, जिससे कि किसान बड़ी मेहनत और उससे पाला, जिससे कि किसान का कोई सहारा ना मिला। किसान की 8 बीघा फसल जलकर राख हो गई, जिसके लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में नुकसान हो गया। किसान बड़ी रही महंगी से, किसान को बड़ी मुल्की के साथ काबू किया और क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। यह आदमपुर क्षेत्र ढवारसी का मामला है, जिसे कि किसान की फसल जलकर राख हो गई 8 बीघा। खबर बांदा से, जहां पर यूपी स्किल डेवलपमेंट के छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्र छात्राओं का ये कहना है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्मार्टफोन योजना का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। योजना के तहत सभी लोगों के पास योजना से संबंधित मैसेज आया था, लेकिन उन्हें स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है। वहीं ज्ञापन के जरिए छात्रों ने जल्द योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। किस तरह का ज्ञापन लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आएंगे? हम लोग अपने मोबाइल टैबलेट योजना जो सरकार द्वारा चलाई गई है, उसका विज्ञापन लेके सर के पास आए हैं, ताकि जो हम लोगों को मिला नहीं तो उसकी सुनवाई कर सके। क्या अभी तक आपको कुछ इस योजना के बारे में कोई जानकारी वगैरह कॉलेज द्वारा नहीं मिली? जानकारी और कुछ भी लाभ नहीं मिला। जब भी हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज भी आया था, सब कुछ आया, लेकिन कुछ भी हम लोगों को लाभ नहीं मिला। हम लोग अपने कॉलेज में भी बोलते हैं तो सर बोलते हैं कि यहाँ से कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है हमें, ना हमारी तरफ से कोई मैसेज आया है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, हम लोगों को जो प्रशिक्षण सरकार द्वारा चला गया इसमें हम लोगों को इसका लाभ मिले, क्योंकि सरकार ने हम ही लोगों के लिए चलाया। जो बच्चे जिनकी पढ़ाई कर रहा है, जिनकी दिक्कत हो पड़ी मोबाइल नहीं है, तो उनके लिए चला, तो जब हम ही लोगों को नहीं मिलेगा तो ये कैसे होगा? ये हम ही लोगों के लिए चलाया गया, लेकिन हम लोगों को कोई भी इसका लाभ नहीं मिल रहा। आज के मेडिकल कॉलेज में बांदा में कौशल विकास के अंतर्गत हम सभी छात्र छात्राएँ टेक्निकल मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग को बोला गया था कि जो सरकार के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट की योजना चलाई गई है, उसके अंतर्गत हम लोग को भी मिलना, परंतु अभी तक ना तो हम लोग को कुछ भी जानकारी मिली है इस बारे में और ना ही कुछ अपडेट हुआ है। तो इसलिए हम लोग आए थे SDM सर के पास कि एप्लीकेशन दे, शायद हम लोग को सुनी जाए। किसी प्रकार कोई मैसेज वगैरह आप लोग को? हाँ, हम लोगों के पास 8 जनवरी जब मतलब कि पहली बार ये योजना लागू की गई थी सरकार के माध्यम से, उस टाइम हम सबके पास फ़ोन पे मैसेज आए UPSDM की तरफ, लेकिन मैसेज के बाद एक बार ये योजना निरस्त हो गई थी चुनाव के कारण। उसके बाद जब दोबारा योजना आई है तो उसके बाद हमें ना कोई अपडेट मिली है, ना लिस्ट मिली, ना कुछ। और हमारे सीनियर्स कह वह इन दिनों गेहूं की फसलें तैयार हैं और आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते आगजनी की घटनाओं का स्थानीय विधायक KP त्रिपाठी राजस्व अधिकारियों के साथ मुआयना करने पहुंचे। KP त्रिपाठी ने उन किसानों के बीच खेतों में पहुंचे और जली हुई फसल और अवशेषों का मौका मुआयना कर किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रीवा के मनगांवा थाना क्षेत्र के गेगे विचौकी प्रभारी मनीषा उपाध्याय के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार में लोड 44 किलो गांजा जब्त किया गया है। मुखबिर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गगेव चौकी प्रभारी द्वारा की गई कार्रवाई में बताया जा रहा है कि कुछ लोग कार में गांजे की खेप लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी कार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद से पुलिस द्वारा आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। गांजे को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गंगे चौकी है मनगांव थाना क्षेत्र में। पुलिस को संज्ञान में आया था कि कुछ गाड़ी से कुछ गांजे खेप इधर से उधर हो रही है। उसी तारतम्य पुलिस अपनी चेकिंग व्यवस्था कर रही थी, सर्च कर रही थी, और जब वाहन पुलिस को दिखाई देता है तो वो वाहन भगाता है और उसके बाद चालक क्या वाहन को छोड़ के चला गया। ये कार वाहन है, इसका नंबर है CG04NN3621। एक इस कार में 44 kg के आसपास गांजे पुलिस को ही मिला हुआ है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी कहां से आ रही थी, कुछ आइडिया? अभी इस संबंध में कोई आइडिया नहीं है, अभी पुलिस इस संबंध में जांच पड़ताल कर रही है। गंगे चौकी है मनगांव थाना क्षेत्र में।
पुलिस को संज्ञान में आया था कि कुछ गाड़ी से कुछ गांजे खेप इधर से उधर हो रही है। उसी तारतम्य पुलिस अपनी चेकिंग व्यवस्था कर रही थी, सर्च कर रही थी, और जब वाहन पुलिस को दिखाई देता है तो वो वाहन भगाता है और उसके बाद चालक क्या वाहन को छोड़ के चला गया। ये कार वाहन है, इसका नंबर है CG04NN3621। एक इस कार में 44 kg के आसपास गांजा पुलिस को ही मिला हुआ है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी कहां से आ रही थी, कुछ आइडिया? अभी इस संबंध में कोई आइडिया नहीं है, अभी पुलिस इस संबंध में जांच पड़ताल कर रही है। खबर रीवा से, जहां पर जेएमएच में बिना ब्याही मां ने मृत बच्ची को जन्म दिया तो कई बड़े राज से पर्दे उठ गए। इसके पहले तक बच्चे को जन्म दिलाने वाले डॉक्टर्स को नहीं पता था कि गर्भवती लड़की की अभी शादी नहीं हुई, और इस बात का खुलासा तब हुआ जब मृत बच्ची को लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। वहीं बच्चे के पिता का नाम पूछा गया तो सब शांत हो गए। बहुत देर तक जब जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने शक्ति दिखाई तो सब कुछ बयान कर दिया गया। वहीं जांच की तो पता चला कि रेपिस्ट भी नाबालिग बालक है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल SP ने बताया कि पिछले साल एक लड़का सुनसान मकान पाकर पीड़िता के घर में जबरदस्ती घुस गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पीड़िता अपनी मां को पूरी कहानी बता चुकी थी, लेकिन आरोपी पक्ष की धमकी से मां भी डरी रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही साथ पास्को एक्ट का अपराध कायम कर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ बाल न्यायालय में से पेश किया गया है। ये अभी 5 अप्रैल को संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बच्चे एडमिट होती है और वहाँ से फिर वो एक मरी हुई बच्चे को जन्म देती है। उस बच्ची की उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह के आसपास थी। पुलिस थाने को सूचना जाती है, थाने वाले इसमें संज्ञान लेते हैं, उसका बच्चे से पूछताछ करते हैं। बच्ची की पूछताछ से निकल के आता है कि 2021 जुलाई में वो बच्ची अपने घर पर थी, तो बच्ची के ही समाज का पड़ोसी लड़का है, वो भी करीब 17 वर्ष और बच्ची से 10 दिन छोटा है, तो उसने उसके साथ में ये हरकत की थी, जिसके कारण से बच्ची प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब उसको पेट में कुछ दर्द वर्द हुआ तो उसकी माँ ने थी बच्ची को, तो पिता को बताया, पिता ने फिर पड़ोसी को बताया और उसके बाद बच्ची को SJVN जिला के भर्ती किया। बच्ची को जानकारी के आधार पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की, और हरकत करने वाले वो सपचारी बालक को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था और उसको केस कर दिया गया है, बाल संरक्षण में चला गया है। और पुलिस फिलहाल की खबरों में इतना ही, बने रहिए अगली न्यूज़ के साथ।